सरकार लगातार विकास कार्यों की बेहतर व दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए मशीनरी में खर्च कर रही है, लेकिन कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई मशीनरी एक कोने में खड़े खड़े धूल फांक रही है। करोड़ों रुपए की खर्च करके खरीदी गई मशीनरी बिना उपयोग ही खड़े खड़े कबाड़ हो रही है। इसमें सेफ्टी टैंकर, पानी का टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, कूड़ेदान, ई रिक्शा, ट्रैक्टर लोडर मौजूद हैं। बीते कुछ महीनों पहले ही रनिया नगर पंचायत में कई मशीनरी उपकरणों की खरीद की गई थी, जिसका उद्देश्य बेहतर तरीके से साफ सफाई व कर्मचारियों को सुविधा देना है, जिसका लाभ सीधा नगर पंचायत की जनता को मिल सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही व हीला हवाली के चलते उपकरण एक बंद पड़ी फैक्ट्री में खुले आसमान के नीचे खड़े जंग खा रहे हैं। मामला मीडिया में आने के बाद इस पूरे मामले में अधिकारी कागजी कार्रवाई पूर्ण न होने का हवाला दे रहे हैं। बीते साल ही कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र को औद्योगिक व अधिक आबादी होने के चलते इसे नगर पंचायत बना दिया गया, जिसके बाद से ही नगर पंचायत में धीरे धीरे ही सही नगरीय सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। नगर पंचायत की आबादी और क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। सुविधाओं की बात करें तो खास सुधार न होने से यहाँ के लोगों को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हजारों की आबादी वाली नगर पंचायत में पेयजल, सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर आए दिन समस्या बनी रहती है। नगर पंचायत परिसर में ही करोड़ों रुपए की कीमत से खरीदी गई मशीनरी खड़े खड़े कबाड़ हो रही है। वहीं अगर मशीनरी उपकरणों की बात करें तो इसमें सेफ्टी टैंकर, ई रिक्शा, कूड़ेदान, लोडर, पानी का टैंकर तथा ट्रैक्टर होने के बाद भी लोगों को दूसरी जगहों से मदद लेनी पड़ती है। देखिए, जैसे आपने प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया, मैंने ईओ रनिया से बात करी है, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मदों में केंद्र वित्त, राज्य वित्त, स्वच्छ भारत मिशन में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं वो एक फैक्ट्री, बंद फैक्ट्री के परिसर में किराए पे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो नगर पंचायत का जो परिसर है वो अभी रिपेयर हो रहा है। साथ ही अभी ये जो भी इक्विपमेंट्स आए हैं इनका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि अभी इनका टेक्निकल सत्यापन किया जाना है जो कि प्रक्रियाधीन है। और ये रनिया जो है नई नगर पंचायत बनी है, हम लोग पूरी तरह से इसके लिए कार्य कर रहे हैं कि रनिया एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ पे स्वच्छता रहे और इसी के तहत इन इक्विपमेंट्स का, रोलर्स का, मोबाइल टॉयलेट्स का, इन सब का क्रय किया गया है और जिनको शीघ्र ही टेक्निकल सत्यापन और पूर्ण भुगतान के बाद प्रयोग में लाया जाएगा।